सो हे गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माई यूट्यूब चैनल यंग बीस्ट फिटनेस। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो एक वीडियो वायरल हुआ है जिम का, हैदराबाद के जिम का, कि जिम के बाहर एक बंदा है, एक्चुअली मर्द, उसकी डेथ हो जाती है कॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो ये मिथ बन गया कि जिम मारने से क्या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। तो मैं आज आपको ये डाउट क्लियर करूंगा, क्या जिम करने से आप अनहेल्दी होते हैं या हार्ट अटैक या और भी कोई बीमारी आपके हो सकती है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट गेट स्टार्ट। राइट, सो वी आर बैक अगेन। नाउ फाइंड आउट, देखिए जो पहले जो वीडियो जो वायरल हुआ है वो देखिए, ये रहा वो वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो पर्सन है वो एक्चुअली उसको मतलब उसको कुछ फील हो रहा है, अपनी चेस्ट के अंदर कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, उसको दर्द हो रहा हो या जो भी हो रहा हो मुझे नहीं पता, बट उसको उसकी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। देन सडनली ये भाई गिर के इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ रिपोर्ट में बताया गया है कि इनकी डेथ का जो कॉज है वो है हार्ट अटैक। अब बात उठती है कि क्या जिम करने से आपको कोई और बीमारी, हार्ट अटैक जैसी डिजीज होती है? नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हम जिम इसलिए जाते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को इंटरनली और आउटरली दोनों तरीके से हेल्दी और फिट रख सकें। तो हार्ट अटैक का और जिम का कोई लेना देना नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, हम अपनी बॉडी को सिर्फ फिट रखने के लिए ही जिम जाते हैं। तो इसका कोई जिम से रिलेशन नहीं है, रिलेट नहीं करता जिम से ये। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में। जिम को हार्ट सॉरी हार्ट अटैक आने का कोई भी कॉसेस हो सकता है, हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। अब बात करते हैं ना, क्या होता है ना, जिम हम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, अपने बॉडी के अंदर इतने स्टफ घुसेरने की तैयारी में रहते हैं हम कि किसी भी तरह हम बस 1 महीने में या 2 महीने में बॉडी बिल्डर बन जाए। तो ऐसा होगा, नहीं हो सकता ऐसा। ये गेम जितना मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इस गेम में बॉडी बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को देखो अपने जिम में, उनसे पूछोगे कि भाई मैं कौन सी गोली खा लूं या मैं कौन सी ऐसा शेक पी लूं या कुछ भी ऐसा अपनी बॉडी में टेक कर लूं कि मेरी बॉडी एक अच्छी तरीके से बन जाए। तो जब तक आपको उस चीज की नॉलेज ना हो जो वो बंदा आपको रिकमेंड करने वाला है या आपको बता रहा है, अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो प्लीज अपनी बॉडी में उसको मत डालना। मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करता हूं, ये प्लीज ऐसा मत करें। ये गेम में जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी नहीं बन सकती। आपका अच्छा डाइट प्लान होना चाहिए, आपकी वर्कआउट का जो शेड्यूल है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। आप ये नहीं कि आप एक महीना जिम गए, आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपने छोड़ दिया और बस सप्लीमेंट सोचे कि सप्लीमेंट नहीं है, सप्लीमेंट होगा तो बॉडी बनेगी, नहीं होगा तो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 मंथ तक आप अपनी नेचुरल फूड पे, अपने घर के खाने तक इसको बनाइए, अपनी बॉडी को नेचुरल खाने से डायरेक्टली, कि ये नहीं कि आज आज जिम गए और कल से सप्लीमेंट लेके शुरू कर दिया, आपकी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी उस चीज को। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं ऐसा ना करें, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। प्लीज मेहनत करो इस गेम में तभी आगे बढ़ोगे। थैंक यू गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, आपकी इतने प्यार की वजह से मेरी एक शॉर्ट वीडियो 22K व्यूज गई है। थैंक यू वेरी मच, दिस इज यंग बीस्ट ओवर एंड आउट। नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून, वी विल बी बैक।